मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। जी हाँ, 130 करोड़ की आबादी वाला यह देश, जिसकी एक बहुत बड़ी संख्या गांव में बसती है। लेकिन आज आप यह भी समझ जाएंगे कि इन किसानों का हाल क्या है और इनकी समस्याएं क्या हैं। नमस्कार, मैं हूँ अक्रमा जादौन और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। अगर आपको याद हो तो साल 1953 में एक फिल्म आई थी, दो बीघा जमीन। भारतीय किसान के वास्तविक दर्द को पर्दे पर उकेरने वाली इस फिल्म में दर्शाया गया था कि किस तरह किसान कर्ज के जाल में फंसता है, कैसे उस कर्ज की भरपाई के लिए उस किसान का तिनका बिखर जाता है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसका गांव से शहर की तरफ पलायन और किसान से मजदूर बनने का सफर बखूबी पेश किया गया है। फिर 1957 में आई मदर इंडिया, जिसमें गरीबी से पीड़ित गांव में रहने वाली राधा की कहानी है, जो कि मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करने और जमींदारों से बचने की कहानी है। फिर 1967 में आई उपकार और 2001 में आई फिल्म लगान में किसानों की मुश्किलों को बहुत करीबी से दिखाया गया है। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी किसानों को लेकर एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जिस नारे के इर्द गिर्द आज भी किसान आंदोलन की नींव रखते हैं। वर्तमान में किसान आंदोलन के दो पहलू भी हैं। एक तरफ जहां आज भी किसान कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, उसको फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा, इसलिए आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन अगर दूसरे पहलू पर नजर डालें तो गांव में सैकड़ों घर ऐसे भी हैं जिनका मूल्य करोड़ों में है। सब जगह सीमेंट की पक्की सड़कें और घर के बाहर मोटरसाइकिलें, महंगी कारें और हाथ में एप्पल का आईफोन भी देखने को मिल सकता है। राजनीति के इसी किसान परिभाषा के बीच आज वास्तविक मुद्दे कहीं दब कर रह गए हैं। हालांकि आंदोलनरत किसान किसी भी प्रकार से अपने आंदोलन को राजनीतिक शक्ल नहीं देना चाहते हैं। आज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में तीन कृषि कानूनों में से एक को क्यों लागू कर दिया था। 1 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों में से एक को लागू कर दिया था और दो पर विचार विमर्श जारी है। लेकिन अगर किसान आंदोलन की बात करें तो पंजाब में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के लिए इस बिल का विरोध करना जरूरी था, चाहे उसको कितनी भी बड़ी नौटंकी क्यों ना करनी पड़े। तभी सीएम केजरीवाल ने कल विधानसभा में कृषि बिल कानूनों की कॉपियां फाड़कर इसका उदाहरण भी दे दिया। कुछ किसान बिल के समर्थन में हैं तो कुछ बिल के विरोध में। या तो सत्ताधारी दल बिल पास करने के बाद भी किसानों को ढंग से समझा नहीं पाया, या फिर विपक्ष ने अपने तरीके से किसानों को बिल समझा दिया, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया कि किसान के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष चला रहा है। एक तरफ दावा है कि हाड़ कपा देने वाली सर्दी में दिल्ली की सीमा पर किसान डटा है, लेकिन सरकार है कि मानती ही नहीं। तो वहीं दूरी और डीजे जिम राजनीतिक दलों के झंडे और नारे कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अब देखना होगा सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद और लगातार कई दौर की वार्ता के बाद किसान आंदोलन कहां पहुंचता है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अग्रिमा जादौन की रिपोर्ट।